इम्पोर्टेंट चीज कि राहुल गांधी के साथ ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो डॉक्टर साहब ये है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, आप राजनीति में हो या नॉर्मल जिंदगी में, अपने प्रतिद्वंदी को कभी बहुत हल्के में मत लीजिए। तो पहला रीजन जो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने शायद बहुत लाइटली चीजों को ले रहे हैं, इसीलिए बार बार कहने पे उन्होंने ये बोला कि मैं सावरकर नहीं हूं, कि मैं माफी मांगूंगा, उसके बाद उन्होंने वो सारी चीजें की, यानी जिसको थूक के चाटना बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लग रही है कि राहुल गांधी का अति आत्मविश्वास, शायद उनको अपने खानदान के ऊपर रहा हो या इस चीज पे रहा हो कि मेरे पास वकीलों की फौज है, सिब्बल वगैरह बहुत बड़े बड़े वकील हैं, मैं इस चीज को मैनेज कर ले जाऊंगा किसी न किसी लेवल पे जाके। तीसरी इंपॉर्टेंट एक बड़ी चीज मुझे ये लग रही है इसके पीछे रीजन, कि हो सकता है कांग्रेस के अंदर ही कोई ऐसा धड़ा हो जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहता हो। अब डायरेक्ट मुंह पे तो कोई बोल नहीं सकता, ओपन फाइट कर नहीं सकता है, तो कुछ इस तरीके से करके कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र रच रहा हो राहुल गांधी के खिलाफ कि इनको ऐसे करके पॉलिटिकली अयोग्य कर दिया जाए। 6 साल के लिए अगर ये चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और 52-55 साल के हैं, तो पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। राहुल गांधी या कुछ मीडिया वाले जो ये सोच रहे हैं ना कि हम जेल जाके महात्मा गांधी बन जाएंगे, या यात्रा करके जैसे दांडी मार्च गांधी जी ने किया था, हो सकता है हो जाए, चलिए मैं मान लेता हूं हो जाए, लेकिन इस चीज की गारंटी क्या है? हो सकता है सिचुएशन और भी खराब हो जाए। वो इसलिए खराब हो जाए क्योंकि जो भी इनके विपक्ष में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग इनके सहयोगी दल, आज की डेट में कंपटीशन बहुत माइक्रो लेवल पे चला गया है। पहले ये होता था चुनाव में, एक भाई चुनाव परिणाम आ गए, हार जीत का फैसला हो गया, सारी पार्टियां मिलजुल के रहती थी, लेकिन अब एक सतत और मुसलसल युद्ध चलता रहता है एक दूसरे को कमजोर करने का, किसी भी तरीके से उसको कमजोर किया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंदिरा गांधी जी भी कटघरे में गई थी, न्यायालय के समन पे गई थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी गए थे। राहुल गांधी ने अपने इतिहास की, अपने खानदान के इतिहास की गरिमा को मेंटेन नहीं किया यहाँ पे। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे कि मुझे, मैं ये मानता हूं कि ये राहुल गांधी की एक भूल है ये चीजें करने पे। भाई राहुल गांधी खुद बोलते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मैं बोलता हूं किसी भी तरीके से उनके मुंह से निकल गया हो, क्षमा मांग लेने से, माफी मांग लेने से कद ज्यादा बढ़ता है, रेदर देन की ऐसी सिली हरकतें करके, स्पेशली हरकतें जब कानून के दायरे में पहुंच जाए। पॉलिटिकल चीजें हो रही है तो कोई बात नहीं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, सवाल जवाब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन कानून के दायरे में अगर कोई चीज पहुंच जाती है तो वहां पे आदमी को बहुत गंभीर और संजीदा हो जाना चाहिए। देश चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जो भी हो, मिश्रा जी, यहां पे राहुल गांधी ने चूक की।